आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर सकता है। बिपिन रावत ने सेना को हमेशा दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जनरल बिपिन रावत दिल्ली में भविष्य की जंग विषय पर एक सेमिनार में बोल रहे थे। अपनी बात रखते हुए सेना प्रमुख ने कहा, दो देश हैं जिनसे भारत का टकराव हो सकता है, एक तो उत्तरी सीमा पर है और दूसरा पश्चिमी सीमा पर। जहां तक हमारी पश्चिमी सीमा के विरोधी का सवाल है तो हम उसके साथ किसी समझौते की संभावना नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां की राजनीति, जनता और सेना को यह समझा दिया गया है कि भारत उसके टुकड़े करना चाहता है। लंबे समय से छद्म युद्ध छेड़ दिया गया है, हमारा देश कब तक इस छद्म युद्ध को सहता रहेगा, कब फैसला करेगा कि बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है और कब जंग शुरू हो जाएगी, इसके बारे में पहले से कुछ कहना मुश्किल है। चीन के साथ टकराव की संभावना पर बोलते हुए बिपिन रावत ने कहा, जहां तक हमारी उत्तरी सीमा का विरोध का सवाल है, भुजाएं फड़काने का काम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जमीनी दखल बढ़ाया जा रहा है, बर्दाश्त करने की हद को परखा जा रहा है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा कि यह स्थिति धीरे धीरे टकराव की ओर ले जा सकती है। यह टकराव समय और जगह के मामले में सीमित होगा या फिर पूरे मोर्चे पर फैल जाएगा, यह कहना मुश्किल है। इन हालात में हमें पश्चिम के साथ उत्तरी सीमा पर भी टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। रावत ने कहा कि अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। उन्होंने कहा, हम सैन्य ताकत के प्रयोग के आदी हैं, लेकिन जंग की शुरुआत सेनाओं के संपर्क में आने के कई महीनों पहले शुरू हो चुकी होती है। अब बिना आमने सामने आए जंग को विभिन्न देशों में पसंद किया जा रहा है। ये साइबर पायरेसी और सूचना से जुड़ा किसी तरह का युद्ध हो सकता है। हाल में सिक्किम के करीब हमारी उत्तरी सीमा पर जो हुआ, हमने देखा कि सूचना मनोवैज्ञानिक और मीडिया के जरिए विरोधी ने जंग छेड़ी। इस तरह की जंग जारी रहेगी और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने तीन सेनाओं में बेहतर तालमेल पर जोर दिया और कहा कि अगर जंग होती है तो तीनों सेनाओं को मिलकर लड़ना होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।